यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। सो गाइस, इससे जो पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको दिखाया था कि वो कैसे वर्क करता है पत्ता, जो एनी ने बताया था। अच्छा, आपने वाला पत्ता जो। सो गाइस, मतलब अब मैंने सोचा कि आपको उसका थोड़ा रूट दिखाते हैं, क्योंकि यार उस रूट में जो व्यू है ना, और जो इतना मतलब जंगल वगैरह है, वो सब आपको दिखाया जाए। तो चलिए गाइस, एनी का घर उधर है, हम इधर से ही शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इधर धूप है और उधर जाते ही छांव है पेड़ों की वजह से। तो गाइस हम शुरू करते हैं। और ना इधर जैसे एनी कंडा घाट में रहती है, तो इधर थारामुला बाबा एक मंदिर है, वहाँ रोज़ संडे को भंडारा होता है। अब शायद बंद हो गया हो कोरोना की वजह से। और उधर गर्ल्स अलाउड नहीं है, बताने की 15 ईयर्स के आगे गर्ल्स अलाउड ही नहीं। मैं भी हर बार जाता था गाइस, जब मैं कंडा घाट में था, फिर मैं सोलन शिफ्ट हो गया। गाइस यार ये देखो, और आपको पता है इधर कहीं से ना ट्रेन भी जा रही है, और उधर रोड है बीच में। और गाइस वो ट्री जो शिमला में भी है, उसी पे बर्फ पड़ती है। ये देखो वो ट्री, क्रिसमस ट्री की तरह ही। हाँ, और गाइस आपको पता है आलू बुखारा का सीजन भी आने वाला है। वो बहुत ही अच्छे फ्रूट होते हैं और वो ठंड में ही उगते हैं, मतलब मेरे तो फेवरेट हैं। जब मैं कंडा घाट में था रोज तोड़ के आता था। सो गाइस अब ना बस आगे थोड़ा है, पेड़ क्लियर हो जाए, और हम ना मतलब थारामुला बाबा तक नहीं चल सकते गाइस, क्योंकि उसका रास्ता बंद है, वरना तो हम दिखा देते आपको। बट थारामुला बाबा जहाँ से उसका रास्ता शुरू होता है ना, हम वहाँ तक आपको दिखा सकते हैं। वो जंगल है। हाँ, वो एक तरह का जंगल है वहाँ, मतलब वहाँ पे बिल्कुल जानवर भी रहते हैं वहाँ। Yes, हाँ, जानवर बहुत जंगली जंगली जानवर होते हैं। मैं भी काफी बार गया हूँ। हाँ, इसलिए हमें झुंड में जाना चाहिए, जैसे हम दो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो जानवर आएगा सीधा खा जाओ। चलो वही तो हम उधर जाएंगे नहीं, बाहर से ही। तो गाइस हम आपको थारामुला बाबा का ना रास्ता दिखाएंगे, कहाँ से वो शुरू होता है, क्योंकि अभी आगे जाएंगे वहीं तक। तो गाइस ये पूरा जंगल है। और यार इधर ना एक ऑरेंज ऑरेंज फ्रूट होते थे, अंजीर, वो भी बड़े टेस्टी होते हैं। अभी होंगे वो, अभी तो गर्मियों में होते हैं। तो गाइस यार देखो, मतलब कितना कूल सा व्यू आता है इधर। सबसे अच्छा तब लगता है जब इन पहाड़ों में ना बादल हो, तो ब्लू पहाड़ और मतलब ब्लू से दिखता है तब ये बड़े बहुत ना। जब मैं इधर था तब तो ये ज्यादा घर भी नहीं बने थे, पर अब मैं सोलन शिफ्ट होके काफी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो अब काफी सारे घर बन गए, शॉप्स बन गई। नहीं तो तभी कुछ नहीं थी, पूरा जंगल था इधर भी। अभी ये थोड़ा सेफ जगह है, पर थारामुला बाबा तो अभी भी डेंजरस है, मतलब जून में ही जाओ जब भी जाओ ना। तो हम उसकी एंट्रेंस तक दिखा देंगे आपको कि वो कैसा है। और वो ना बहुत ही खराब रास्ता है, जैसे अभी बारिश हुई थी बहुत। हाँ, अब तो और भी ज्यादा खराब हो गया होगा वो गाइस, बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब जैसे यही रास्ता, ये टाइल्स पे ही थोड़ा थोड़ा फिसल रहे हैं, तो वो तो क्या ही हो गया होगा। वहाँ ना ये लग गए, ये ग्रीन ग्रीन से लग गए होंगे, और इसलिए और फिसलन हो गई होगी उधर। तो गाइस अभी ये देखिए, काफी घर बन गए और हम चल रहे हैं। गाइस आगे है प्लेन, वहां से दिखाऊंगा मैं आपको ना इसका पूरा व्यू दिखाऊंगा वहां से, अगर वहां से दिखा तो। और एक पेड़ भी दिखाएंगे वहां पे, अंजीर। हाँ, उस पे गाइस जो मेरी सोसाइटी में है ना, वहां भी एक रास्ता है, वो उसमें मैं आपको दूसरे मतलब थोड़े टाइम बाद दिखाऊंगा। वो मैं अपने दोस्त के साथ जाऊंगा, तो मैं दोस्त से भी मिला दूंगा आपको, और एक अलग रास्ता भी दिखा दूंगा। तो गाइस देखो, अब तो गाड़ियां जाने लग गई, मतलब घर बन गए होंगे इधर उधर। हम क्या करते थे ना, एनी के घर जाते थे मैं और मेरे पापा, तो वहां से एनी को लेकर फिर जाते थे थारामुला बाबा तक, क्योंकि 15 ईयर से बाद से बच्चे अलाउड नहीं है, उसके पहले तो अलाउड है। गाइस हाँ, ये वही है व्यू आने वाला है। और देखो ये यहाँ अंजीर उग रहे हैं, उसमें ये अंजीर उगते हैं, अभी बहुत ही छोटे छोटे होंगे यार, वो कैमरा में नहीं दिखेंगे, वो गर्मियों में होता है। गर्मियों में है अखरोट का पेड़। ओह, अखरोट का पेड़, अभी तो ये गर्मियों में। हाँ गाइस, एक अनार का पेड़ भी है एनी के पास, उसे ना मैं अभी दिखाऊंगा। एनी के पास नहीं है, ऊपर है, मतलब उसके लिए मैं वीडियो क्रॉप कर दूंगा, थोड़ा सा दूर है। गाइस देखो यार, यहाँ व्यू
गाइस एक सीक्रेट राज बताऊं आपको, मतलब सीक्रेट तो क्या ही है, इधर कहीं ना या आगे एक पहाड़ पे ना पहले झरना होता था, मतलब उधर से ना पानी आता था और वो इतना कूल लगता था, पर अब पता नहीं क्या हो गया, बट अब आ ही नहीं रहा वो। हाँ वो देख रहे हो, वो झरना है ये जो बीच में थाड़ा मुला बाबा का झरना था, मतलब बोलते हैं ऐसा। हाँ ये जो ये चीज है ना, और थाड़ा मुला बाबा के यहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे भी बहुत, गाइस मुझे नहीं पता बट उधर बर्फ पड़ी हुई है यार, प्लीज क्लियर आ जाओ। गाइस गाइस प्लीज, कैमरा में नहीं दिख रही बट उधर बर्फ पड़ी हुई है, मतलब कंडा घाट या सोलन में भी बर्फ पड़ने वाली है। गाइस यार कोशिश करो, बट थोड़ी तो दिख रही होगी। हाँ। देखो यार गाइस उधर लिटरली बर्फ पड़ी है, सच्ची में गाइस, आई स्वेयर, मतलब उधर बर्फ पड़ी हुई है अभी भी। और गाइस व्यू देखो इधर से, मतलब क्या व्यू आ रहा है यार, वॉक हो रहा है वहां पे। हाँ। देखो इतनी, और अब तो कंस्ट्रक्शन होके मुझे लग रहा है सारी जंगल भी उखड़ जाएगा। गाइस वो देखो कोई फ्रूट है उधर, ये वो है हमारा नींबू की तरह होता है वो बड़ा बड़ा, हाँ मैंने भी देखा था, वो गोल नींबू की तरह होता है पर बड़ा होता है। गाइस यार मतलब सोचो आपकी तरह, मतलब मैं आपको बस बर्फ दिखा रहा था, मतलब बर्फ नहीं ऐसे ही लाया था, और देखो यार अनफॉर्चुनेटली हमें बर्फ मिल गई। गाइस क्योंकि किसी को नहीं पता था, मुझे भी इतना सा भी आइडिया नहीं था कि इधर बर्फ पड़ी है। और आपको पता है सोलन में पड़ रही है अभी भी बर्फ, मतलब आज नहीं पड़ रही पर हम ओले रोज रोज पड़ रहे हैं ऑलमोस्ट। जो भी सोलन या कंडा घाट में रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ देखो वहाँ पे इतना बड़ा वाला पेड़ है इसका। ओ गाइस ये देखो बड़ा पेड़ उन्होंने खुद लगाया था। ओके और जो थाड़ा मुला बाबा है वहाँ पे एक बहुत, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा झरना था पर वो भी अब वो नहीं, पानी पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, वो गाइस अभी आता वो सूख गया या पता नहीं कहाँ चला गया वो पानी। गाइस जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना यार, उधर और भी मतलब बर्फ थोड़ी बहुत दिखती जा रही है यार, यहाँ पे अच्छे से हम एकदम थोड़ा मुल्ला की आपको स्टार्टिंग तक ले जाएंगे, बट उससे आगे जाना उसके लिए हमें भी अलाउ नहीं है क्योंकि हम अकेले हैं, कोई भी नहीं है हमारे साथ, थोड़ा सा आगे भी नहीं जा। गाइस यार देखो और बर्फ है उधर थोड़ी बहुत यार, वाओ यार देखो उधर जो वाइट वाइट है ना वो सब बर्फ है। यहाँ पे जो बर्फ पड़ती है ना, हाँ। तो यहाँ का व्यू, हाँ पूरा, मतलब ये जो आप अभी येलो येलो इश देख रहे हो ना, ये पूरा वाइट हो जाता है गाइस, और इतना मजा आता है ना। शिमला में जो भी रहता है वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि उधर तो अभी बर्फ पड़ भी चुकी है। हाँ। मैंने देखी थी, मैं जा भी चुका हूँ, मतलब अभी गया था मैं। सो गाइस बस हमारी स्टार्टिंग आने वाली है थोड़ी देर में। कितना सुंदर लग रहा है पूरा ना यहां पे। गाइस वो देखो उधर थोड़ी थोड़ी बर्फ यहां पे थोड़ी थी, आगे धूप हो रही है। और ये बर्फ भी ना शाम तक की होगी क्योंकि ये पहली दूसरी बर्फ है ना। फिर जंगल शुरू हो गया, देखो गाइस थोड़ा मूला में ऑलमोस्ट एंटर होते ही जंगल शुरू हो गया। अंजीर होते हैं। ओह अच्छा, अब देखो थोड़ा एंटर होते ही ना इधर जंगल शुरू हो गया। वो रोज, मतलब जब हम जाते थे संडे को इतने सारे अंजीर मिलते थे यार, और इतने जूसी होते थे ना। हाँ बड़े बड़े। तो गाइस देखो ऑलमोस्ट जंगल का रास्ता शुरू हो चुका है यहाँ तो, इसलिए नहीं है क्योंकि इधर पार्किंग है गाइस, बिकॉज वहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा और आगे तक दिखा देते हैं। हाँ थोड़ा तो चल जाएंगे नहीं तो। गाइस सोचो इधर चीता वगैरह रहते होंगे। नहीं चीता नहीं, मतलब थोड़े बहुत कुछ तो रहता होगा। गाइस अब ना ये बिल्डिंग बन गई, पहले ये बिल्डिंग नहीं थी पता। ये सब घर है लोगों के, ये मंदिर है। यहाँ पे ना गर्ल्स को अलाउड नहीं है बिल्कुल, छोटे से छोटे गर्ल्स को अलाउड नहीं है जाना, बॉयज जा सकते। अब गाइस देखो मतलब बारिश में कैसा पथरीला रास्ता हो गया है, अब ये रास्ता है गाइस, मतलब आप खुद ही सोच सकते हो वो मंदिर है। और नीचे से दिखा नहीं सकते, मतलब थोड़ा मूला बाबा यहाँ से दिखेगा नहीं कहीं से। नहीं नहीं यहाँ से। हाँ क्योंकि गाइस वो बहुत डीप में जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं जमीन के अंदर खोदा है पर वो रास्ता ही ऐसे है जैसे वो पहाड़ है फॉर सपोज, तो उससे काफी नीचे को आके ना ऐसे ही। तो गाइस अभी ये पतला रास्ता है और फिर इसके बाद फटाफट से दिखा देते हैं। यहाँ देखो ये थोड़ा जंगल का रास्ता शुरू हो गया गाइस, और ये कहीं और
तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में जरूर मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।